तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हाँ तारकासर जी। जी तारकासर जी, एक खबर आ रही है दिल्ली से, हॉस्पिटल में कुछ सुधार किया गया है दिल्ली हॉस्पिटल में टीकाकरण को लेकर, क्या 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 सुधार हुई है अभी? सुधार को लेकर यहाँ वैक्सीन कैंप जो लगा हुआ है विनोद जी, यहाँ पर लगातार लोगों के भीड़ उमड़ रहे थे, इसका अव्यवस्थित वैक्सीन का काम चल रहा था, इसको लेके हमने पिछले दो दिन पहले सोना न्यूज पर खबरें चलाकर स्थानीय अस्पताल प्रबंधन को जागरूक किया था। उसके बाद से पूरा नजारा बदला सा नजर आ रहा है, जहाँ भीड़ उमड़ रहे थे उसके लिए, जहाँ पुरुषों के लिए अलग ब्रैकेटिंग लगाया गया है, महिलाओं के लिए अलग लगाया गया है, पांच पांच महिलाओं को बुलाया जा रहा है, पांच पुरुषों को बुलाकर वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था की गई है और ये वैक्सीन कैंप को सीधे प्रभारी अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अस्पताल कर्मी को लगाया गया है। अब उस तरह की स्थिति नहीं है, बहुत सुधार हो गई है। और आपको बता दें कि जब से वैक्सीन कैंप लगा है, अब एक दो दिनों के अंदर दिल्ली में लगभग 50,000 लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा। जी जी धन्यवाद। पिछले कल बुधवार शाम को भी लगभग 2,000 वैक्सीन दिया गया एक दिन में सिर्फ। जी जी धन्यवाद खबर के लिए, बने रहे तारकासर जी दिल्ली से। जी, 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 जी।